यार मैं ना कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जुमा बनने जाना है, जल्दी से कर दो। ठीक है बेटा कर दो, जल्दी से करो। चले चले चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। होगी आप सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए और मज़े में हो गए। तो यार आपके भाई ने फाइनली लुक अपनी चेंज कर ली है, तो कमेंट में बताओ कैसा लग रहा हूँ। उसके अलावा आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने शोरूम का टूर दूँगा, कि उसमें स्टाफ से भी आप लोगों को मिलवाऊँगा, ऑफिस भी दिखाऊँगा, किचन भी दिखाऊँगा, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी जितनी हैं सब दिखाऊँगा। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, क्योंकि इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। हाँ सबसे पहले है आज जुमा, सबसे पहले जुमा पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे शोरूम पर और अपने अब्बा जी से भी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। अभी वो ज़रा गए हैं नाई के पास दाढ़ी मूछे कटवाने, और यार नहीं दाढ़ी मूछे नहीं, वो शेव करवाने और बाल कटवाने। तो जैसे आते हैं जुमा पढ़ने जाते हैं, ओ यार ये कौन आ गया व्लॉग मेरा ख़राब करने, तो जैसे आते हैं मैं भी उतनी देर तक तैयार हो जाता हूँ, देन जुमा पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे शोरूम पर। अम्मा यार मेरे ना कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जुमा पढ़ने जाना है, जल्दी से कर दो। ठीक है बेटा कर दो, जल्दी से करो, मैं ज़रा उतनी देर तक नहा लूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, मेरी छोटी बहन ने पेंटिंग बनाई है, ये देखो सर्टिफिकेट भी है, इसे सर्टिफिकेट भी मिला, दो सर्टिफिकेट हैं, सिर्फ गंद मारने के इसको सर्टिफिकेट मिलते हैं। कपड़े हमें मिल चुके हैं, अब ये ब्लैक सूट आज आपका भाई ब्लैक पहनेगा, अब नहाते हैं देन जुमा पढ़ने जाते हैं। हाँ तो भाई हो चुका है आपका तैयार जुमे के लिए, अब जुमा पढ़ने जाते हैं, देन उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन मकसद के लिए। तो जी हाँ अभी हमने जुमा पढ़ लिया है, और जुमा पढ़ के अब जाते हैं घर और देन अपने मेन मकसद के लिए निकलते हैं। तो जी अब चलते हैं शोरूम पे, जैसा आप लोगों के साथ मैंने वादा किया था, और चल के आपको देते हैं शोरूम पर। चलें सर, चले शोरूम के लिए निकल चुके हैं, तो आई थिंक आपको डायरेक्ट शोरूम पे चल के मिलते हैं और हम ना स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग को, जो हमारा मेन टाइटल था शोरूम टूर। तो चल के आपको वहाँ मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्लॉग। शोरूम में हम पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले आपको विजिट कराते हैं अपने मेन ऑफिस का। तो ये है जी हमारा मेन ऑफिस, ये मेन ऑफिस है, उसके साथ ही मेन ऑफिस के साथ ये एक वॉशरूम है, और ये मैं हूँ, और ये कार जो उनकी ब्रांडिंग हुई है, ऊपर एक एसी लगा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सोफे वगैरह पड़े हैं गेस्ट के लिए, ये चेयर, ये टेबल है बहुत ही लेंथी थी, और बाहर का मैं अगर आपको बताऊँ, बाहर एक लिविंग टाइप एरिया है जहाँ पे बैठ के लोग इंतज़ार वगैरह करते हैं अगर अंदर रश हो, और यहाँ पे भी एक टेबल है, यहाँ पर एक कुर्सी पड़ी हुई है, और वो हमारा है अकाउंटेंट रूम। अकाउंटेंट रूम का भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि अकाउंटेंट रूम में क्या क्या पड़ा है, और बाकी बाहर तो गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, गाड़ियों को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी किस टाइप की, सारी गाड़ियों को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि। और चीज़ ये हमारा छोटा सा किचन है, और यहाँ पर ये हमारे साबर भाई ये किचन को हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई, क्या हाल है, ये किचन आप हैंडल करते हैं, सही हैंडल करते हैं आप।
उसके बाद ये आपका अकाउंटेंट ऑफिस का ये रूम है, ये मैं अब आपको अकाउंटेंट ऑफिस के अलावा यहाँ पर एक वॉशरूम है, ये देखिए ये साथ एक बेसन लगा हुआ हाथों ने के लिए और वो लगा हुआ है वुज़ू खाना है। और वुज़ू खाने से मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऊपर एक मस्जिद भी है, चले आए अब आप लोगों को मस्जिद दिखाता हूँ। मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से जगह नहीं मिली क्योंकि ये यहाँ पे सारा बंद था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों को मस्जिद दिखाने लगा हूँ, तो मैं वो दूसरी साइड से ऊपर आया हूँ। तो यार कैमरा फोकस नहीं पकड़ रहा, क्या बात है। तो अब मैं आप लोगों को अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ। ये है जी मस्जिद, ये एक लगा हुआ है नमाज टाइम के लिए जो भी होता है यहाँ पे, और नमाज क्लॉक सॉरी। और ये लगा हुआ है जी कुरान पाक के लिए कैबिन, ये कुछ तस्बीहें भी पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा एक एसी लगा हुआ है गर्मियों के लिए, ये कुर्सी पड़ी है और ये एयर फ्रेशनर, वो एक कैमरा लगा हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को चल के पूरा ऊपर से 360 व्यू दिखाता हूँ शोरूम का। मुझे उसका स्मोकिंग प्रैंक हमने किया था दादी अम्मा के, उसकी वजह से मेरे बाल जल गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो यार बहुत बुरे लगे, तो इसका हालात मुझे लाजमी कमेंट में बताओ। ये था 360 व्यू ऊपर से, और अब चल के आपको अपने स्टाफ से मिलवाते हैं। इसके अलावा ये लगा हुआ है CCTV फुटेज का सारा सेटअप, और यहाँ पे देखो ये मैं आ रहा हूँ, और ये मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को सॉरी स्टाफ से नहीं मिलवा सका, उसकी एक मेन वजह ये थी कि यू गाइस नो दैट ये स्मोक के रोले और कॉलेज से भी छुट्टियां होंगी, ये जो ये अच्छी बात थी। दूसरा ये जो हमसे बिजनेस साइड हो रहा है ना, उसका ये मसला है कि आज था जुमा, तो 3 बजे के बाद मार्केट खोलने का मतलब उन्होंने कहा था 3 बजे के बाद आप खोल सकते हो, तो इसीलिए अब 3 बजे के बाद खुल रही हैं, तो वो सारे बिजी हैं। तो फिर किसी दिन नेक्स्ट दिन आप लोगों को मिलवा देंगे अपने स्टाफ से भी। तो ये देखा तकरीबन लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हमारे इस शोरूम में 16 कैमरे लगे हैं और सारे 360 व्यू कैमरे हैं। उसके अलावा देखते हैं क्या मैं आप लोग दिखा बात, सॉरी फॉर डैट क्विक रिव्यू बिकॉज यार आई एम बिजी, तो मैंने भी कहीं पर जाना है, तो सॉरी फॉर दैट क्विक टूर ऑफ माई शोरूम। सो किसी दिन और अगर आप लोगों के इस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स और अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो फिर हम किसी दिन और जिसे कहते हैं डिटेल में ये होगा। यार ये भी लगा हुआ है हमारे शोरूम में, ये दो नट लगे हैं, ये दो स्विच हैं, इस तरह का रिव्यू दूंगा और टूर दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की हमारी वीडियो उम्मीद होगी आप सब लोगों को पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह सून आप लोग यहाँ पे या यहाँ पे ये ऑफिस देख लो, आप रजब भाई को भी यहाँ पे बैठा देखोगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद होगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छी और कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।